नमस्कार दोस्तों, आज आप देख ही रहे होंगे कि हमने क्या प्रोजेक्ट छेड़ा है। आज हमने पपाया कल्टीवेशन की तरफ हमने ये अपना जो प्रोजेक्ट छेड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ सर्दी वाला इलाका है, आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर तो देश मेरे सर्वाइव करना बहुत तेरी शान पे सदके, दो चार पौधे मेरे छे थे, कोई धन है क्या, उसके बाद धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है। अर्जी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। यहाँ से इनको इनको यहाँ मैं इनको थोड़ा सा बोल करूँगा, मेरी नहीं मिट्टी, और बाद में इनमें जो मैं अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक जो है मैं वो भी डाल दूंगा, जब थोड़ा थोड़ा सा जड़ पकड़ लेगा, क्योंकि इसमें जो नेचुरल जिसको आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तो वो भी बहुत है मेरे लिए, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये, और ये हमारा गमलों का भी शौक है, तो हम गमले भी लेते ही रहते हैं, नए से नए गमले देख रहे होंगे, गमला है बड़ा हुआ हमारे पास, कई तरह के गमले हैं, थोड़ा थोड़ा पानी भी इनको दे देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी देने के बाद, ताकि ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, और ये तेरी धूप से रोशन, जैसे हमारे को लिफाफे मिल जाते हैं, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है। अर्जी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कवि याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा।
हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, देख सकते हैं आपके सामने ही है, देखिए सारे प्लांट्स आपके चल तेरा रहमा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से राशन बनेंगे तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा जय जवान जय किसान। ये पपीता हमने तैयार कर दिया इतना बड़ा और आपको दिखाएंगे 6 महीने के बाद ये कितना बड़ा होता है और इससे कैसे फल लगते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ इस अंत तक ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने युवा पीढ़ी से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जागो और एनालिटिक बन जाओ और ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना ध्यान दो। जो बाजारों में सब्जियाँ आ रही हैं वो कीटनाशक से भरी है, उसमें खाद है, वो युवा के लिए सही नहीं है। वो अगर हम ओलंपिक्स में गोल्ड लाना चाहते हैं तो हम ताजी सब्जियां खाएं, सुबह सुबह अपने किचन गार्डन में जाएं और ताजी सब्जियां खाकर अपने देश को नंबर वन पर लाएं और भारत विश्व विजेता विश्व मंच पर पहले नंबर पर आए। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जय हिमाचल। नमस्कार दोस्तों।